क्या बात कर रही किशोरी? वो सुलक्षणा मतलब अपने स्कूल में थी वही ना? अरे क्या कर रही तू? उसकी पोती की शादी है और हमें बुलाया भी नहीं। पता है राजू की शादी में ना मैंने सारे परिवार को बुलाया था और ये कोई बात हुई? तू नहीं जा रही है ना? देख तू मेरी पक्की सहेली है, तू भी मत जाना, बता रही हूँ। हाँ चल फोन रखती हूँ मैं। क्या बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ क्यों, मैं टीवी पे कुछ चल रहा है वो देख के हंस रहा हूँ। मेरे तो नाक कान आंख सब टीवी पर लगे हुए हैं। सब पता है मुझे, सब पता है। और वैसे बता दूं, मैं वो सुलक्षणा की पोती की शादी में नहीं जाने वाली, बता रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो तुम वो किशोरी को वहाँ जाने से मना क्यों कर रही थी? देखा, आंख सारी वहाँ पे थी, कान मैं जो बोल रही थी ना उसके ऊपर थे। एक कान ये, एक कान ये, सबको दो कान होते। हेलो, हाय, दरवाजा बंद करो। राजू क्या हुआ बेटा, ना घबराया हुआ क्यों है? क्या बैग किसका लेके घूम रहे हो, बताओगे? थैंक यू बेटा। अरे अब बताएगा भी, बता क्या हुआ राजू? क्या वो पानी पूरी खाकर मैं गाड़ी की ओर जा रहा था, तब रास्ते में बैग मिला। तो फिर मैंने खोलकर देखा ऑफिस जाकर, तो इसमें कम से कम 15 लाख रुपए। इतने सारे पैसे? ये पैसे घर लाने की क्या जरूरत थी राज? तो क्या करता मैं बंदू, मैं तो घबरा गया था। ये बैग लेकर सबसे पहले तो मैं ऑफिस गया, ऑफिस में चेक किया, इतने सारे पैसे मैंने सोचा ऑफिस में रख दूंगा, लेकिन बाद में डिसाइड किया नहीं इतनी कैश मैं ऑफिस में नहीं छोड़ सकता, इसलिए घर लेकर आया हूँ। अरे तो पुलिस स्टेशन ले जाते ना पैसे। अरे कह रहा हूँ मैं घबराया हुआ था, पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकता हूँ मैं? हजार सवाल पूछेंगे, कहाँ मिला, किसका है, क्यों उठाया। अरे तो सच बोल देते, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है, पुलिस को बता देते सब। मेरी बात पर कौन यकीन, तुम्हें लगता है अगर मैं उन्हें सच बताता तो पुलिस यकीन कर लेती? अरे क्यों नहीं कर सकते, तुमने चोरी थोड़ी की है। नहीं बात वो नहीं है, एक तो ये बैग घर आ गया है, इसमें इतना कैश है, कैसे साबित करूंगा मैं कि ये बैग मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला? हाँ, और इतने सारे कैश का मैं क्या जवाब क्या दूंगा पुलिस को? अच्छा अगर मैंने सच कह भी दिया कि मुझे ये बैग मिला, ये मिला और मैं घर लेकर आया, ये मैं अब आपके हवाले कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है पुलिस मेरी बात पर यकीन करेगी? राजू सही कह रहा है, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। और पुलिस के बाद इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कितने पैसे कहां से आए। अरे बाबा अरेस्ट भी कर सकते हैं। अरे अरे क्या आप डरा क्यों रहे हो मुझे? नहीं बाबा मैं सिर्फ बता रहा हूँ, फिर वो सवाल पूछेंगे। अरे सवाल तो पूछिए मत, सवाल तो हजारों पूछे जाएंगे जिसका एक जवाब नहीं है मेरे पास। बंधु हाँ, इसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। What? नहीं मैं I'm just telling you, क्योंकि वो हैरी तो मौका ढूंढ रहा है। क्या ये कौन से चक्कर में फंसा दिया मेरे बेटे को, अब क्या करेंगे? राजू हम ना एक काम करते हैं, हम ना ये पैसों से भरा बैग ना बंद करके आधी रात को लेट नाइट को ना कहीं बाहर जाके ना दूर जाके फेंक देंगे। हाँ? लेकिन दादी ये किसी के तो पैसे हैं और किसके काम के होंगे? नहीं नहीं हमें पता करना है ये बैग किसका है। हाँ जिस किसी के भी ये पैसे होंगे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और वो उनको ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो हमारे पास है ना। आई एग्री, हमें पहले पता लगाना चाहिए कि ये बैग किसका है। कैसे पता लगाएंगे बंधु? अरे वो तुमने बैग खाली करके एक बार भी चेक किया है? हो सकता है कहीं नाम लिखा हो सकता है कुछ हो, पेपर वेपर कहीं पे कुछ नाम मेंशन हो। अरे मैं घबराया हुआ था तो करते ना चेक। हाँ
एक मिनट, ऐसे नहीं। हाँ? निकाल, डराइएगा मत। इसमें निकालिए। वैसे उसूलन किसी का बैग खोलना उचित नहीं होता है, और परिस्थिति ऐसी है, क्या किया जाए? खोल के देखना पड़ेगा। निकाल ले। ए राज, इस पे कोई कार्ड लगा हुआ है, देखो। चित्तरंजन शास्त्री। So that means कि ये जो बैग है ये चित्तरंजन शास्त्री को बिलोंग करता है। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। अरे बट इन्फॉर्म कैसे करे? क्यों? इसका तो नंबर फटा हुआ है। चल देखती हूँ, कुछ पता चले, कुछ तो होगा। इसमें कुछ है। हाँ? क्या? कुछ लेटर है, ले पढ़ो ना। देख पढ़। नहीं नहीं बेटा, राजू बेटा, ये सही नहीं। और जरूर हम आपको बैग देंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी फिलहाल आप अंदर बैठ जाइए, है जी, आराम से। उसके बाद में हम आपको आपका जो बैग है वो दे देंगे। अथर्व बेटा, इन्हें रूम में ले जाओ अंदर। अथर्व जाओ। हाँ अथर्व ले जाओ अंकल को, एसी चालू कर दो। कुछ आइडिया नहीं था, ये आदमी असली चित्रंजन शास्त्री नहीं है। और नहीं तो क्या, मैं तो सही बोल रही है। अरे उसे खुद को पता नहीं है कौन से रंग की बैग है। इसका मतलब तो यही हुआ राजू बेटा, कि अब अगले जो दो चित्रंजन शास्त्री आने वाले हैं, ये बैग और ये पैसे, उनमें से किसी एक का होगा। हाँ, अब उन दोनों में से तय करना है कि कौन असली है और कौन नकली। हाँ। दूसरा जी, मिस्टर राजेश वागले जी, माई सेल्फ चित्रंजन शास्त्री जी, आपने मुझे फोन किया था कि मेरा खोया हुआ बैग आपको मिला है जिसमें मेरे पैसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मिला मुझे। ओ, आइए ना अंदर। जी बैठिए। रियली आज के जमाने में आपकी जगह कोई और होता ना, तो पैसों से भरा बैग चुपचाप अपने पास रख लेता। लेकिन आपने मेरा पता भी लगाया और मुझे फोन भी किया। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि वो बैग मेरा है? क्या है, बैग में हमें एक विजिटिंग कार्ड मिला, ये देखिए। तो फिर नाम तो पता चल गया, लेकिन नंबर देखिए, नंबर फटा हुआ है। तो सोशल मीडिया के जरिए आपका पता लगाया हमने। जी पता नहीं कैसे फट गया। अच्छा लाइए, वो बैग भी मुझे दे दीजिए। हाँ लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। उस बैग में कितने पैसे हैं वो बताइए। 15 लाख। क्या हुआ, आपने जो मुझे मैसेज भेजा है एड्रेस के लिए, आपने उसमें लिखा है ना कि बैग में 15 लाख रुपए हैं? हाँ? क्यों टुटू? मैंने लिखा था। दिखाऊं? नहीं नहीं, मतलब उन्हें भरोसा है आप पे, 15 लाख लिखा होगा मैंने। एक्चुअली ना इनसे गलती हो गई। हाँ गिनने में गलती हो गई, मैंने फिर से गिना ना, तो वो रिकाउंट करने में 15 लाख नहीं थे, 14 लाख थे ना माँ। लेकिन बंधु ये तो कह रहे हैं 15 लाख थे, तो भाई साहब उसमें पैसे आपने ही भरे थे ना बैग में, आपको पता नहीं उसमें 14 लाख थे या 15 लाख थे? आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? नहीं गलती तो इसने की है ना। हाँ तो आप क्यों घबरा रहे हैं? सखी हाँ। इनको पानी दो बेटा। हाँ। नहीं नहीं पानी की कोई जरूरत नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने बैग में 15 लाख रुपए रखे थे,
लेकिन 1,00,000 रुपया निकाल के अपने मित्र को दिया। तो बैग में 14,00,000 रुपये बचे। तो आप सही कह रहे हैं कि बैग में 15,00,000 रुपये नहीं, 14,00,000 रुपये हैं। नंबर 2B। ये दोनों तो झूठ बोल रहे हैं, काश तीसरा सही चितरंजन निकले। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अंदर बैठ जाइए, मैं आपको आपके पैसे देता हूँ। अंदर क्यों? वो एक्चुअली बहुत सारे पैसों का मामला है ना, तो आपको रूम में दे देंगे। आप रिकाउंट भी कर सकते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ, जाओ बेटा, अंदर जाओ। जी अंकल, आप ठीक है। प्लीज। तुमने सामने से मैसेज पे लेके भेज दिया कि 15,00,000 रुपए। अरे तुम सामने से बताओगे कि 15,00,000 रुपए बैग में, तो वो तो मांगेंगे ना 15,00,000 रुपए। ये नहीं है असली चित्रण शास्त्री राज। देखा ना, 14,00,000 बोलती कैसे पलट गए। अच्छू, एक नंबर का झूठा ये है। लेकिन अंदर दो दो झूठे बैठे हैं। और अब बचा है सिर्फ लास्ट चितरंजन शास्त्री। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं कि पैसे उनके हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाला चितरंजन शास्त्री ही असली चितरंजन शास्त्री है, और मेरे पास जो पैसे हैं उनका असली हकदार वही है। वो साईं जाने। हाय। हेलो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू बोथ ईच अदर, मिस्टर चितरंजन शास्त्री, मिस्टर चितरंजन शास्त्री। अरे अरे, आप दोनों को झटका क्यों लग गया? ये बात सही है कि आप दोनों ही चितरंजन शास्त्री हैं, एंड आप दोनों ही वो सेम बैग लेने आए हैं जिसमें पैसे हैं। अब आप दोनों आपस में डिसाइड कीजिए कि पैसे किसके हैं। मेरे 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 ही हैं वो पैसे, मैं ही हूँ चितरंजन शास्त्री। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.